हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। देखिए, इस तरह इमली को मैंने 5-6 घंटे गर्म पानी में भिगो दिया है। ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको सॉफ्ट हो गया, इसको अच्छे से हाथ से मसल मसल कर इसके रेशे अलग कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मसल लिया है। अब इसको छान लेंगे, इसमें से ये इसकी जो रेसे है इसको छान कर अलग कर लेंगे। अभी यहाँ पे भी हाथ से अच्छे से मसलते हुए इसको छान लेंगे। इसमें थोड़े थोड़े करके थोड़ी सी पानी डाल लेंगे, ये अच्छे से हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको छान लिया है। अब इसको हम डाल देंगे कढ़ाई पर। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इमली लिया है और 200 ग्राम गुड़। अब इसी इमली के पानी में हम डाल देंगे गुड़ को। अब इसको चलाते हुए गुड़ पिघलने तक इसी तरह इसको चलाते रहेंगे। देखिए, गुड़ पिघल गई है। गुड़ के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जो दांतों में लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब इसको छान लेंगे हम। गैस को बंद कर देंगे और कलछी के सहायता से थोड़े थोड़े निकालते हुए इसको छान लेंगे। जो भी ऊपर आए होते हैं इसमें छान लेंगे। इसमें देखिए छोटी छोटी कण निकल आई। अब जो कढ़ाई के नीचे रह गई थी इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब इसको हम, इसके नीचे भी है कण, अब इसको हम साफ कर लेंगे। देखिए, साफ कर लिया। अब दोबारा से फिर से इस घोल को इसमें डालकर धीरे धीरे से चलाते हुए इसको थोड़े गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। देखिए दोस्तों, ये रेडी हो गई है, पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच भून कर पिसा हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। ये इम्पोर्टेंट है भुना हुआ जीरा पाउडर। इसमें बहुत अच्छी खुशबू स्वाद आता है। मीठी चटनी, खट्टी मीठी की चटनी की जान होती है भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, काला नमक भी डाल रखा था। इतना सही है, अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिएगा। देखिए, ये रेडी हो गई है हमारी इमली की चटनी। अब इस तरीके से डब्बे में डालकर इसको फ्रीज में रख देंगे। इसको 2-3 महीने तक हम इंजॉय कर सकते हैं, चाट में, समोसे में, जिसमें आपको पसंद हो। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।